हम बंकर में छिपे हैं, यहाँ बम गिर रहे हैं। नवीन की मौत के बाद खार्किव में फंसे छात्र ने मांगी मदद। नवीन की मौत के बाद छात्रों में हड़कंप। रूस ने कीव पर की एयर स्ट्राइक, टीवी टावर उड़ाया, चैनलों का प्रसारण बंद। नमस्कार, स्वागत है आपका खुरबाजी के इस अड्डे पर। यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले के बाद भारतीय छात्र नवीन की मौत हो गई। नवीन कर्नाटक का रहने वाला था। नवीन की मौत के बाद खार्किव में फंसे अब एक और भारतीय छात्र ने वीडियो जारी कर मदद मांगी है। छात्र ने बताया कि खार्किव में बम गिर रहे हैं, लगातार गोलीबारी हो रही है, ऐसे में लोगों को बंकरों में रहना पड़ रहा है। छात्र ने वीडियो जारी कर बताया कि उसका नाम आशुतोष है, वह तमिलनाडु के चेन्नई का रहने वाला है, अभी खार्किव में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। आशुतोष ने बताया कि खार्किव में स्थिति काफी खराब है, यहाँ बम गिराए जा रहे हैं और फायरिंग हो रही है। खाना लाने गया था नवीन। आशुतोष ने कहा कि दुर्भाग्य है कि आज एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। जब वह खाना लाने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने कहा हम बंकर और बेसमेंट में रह रहे हैं, यहाँ बिजली नहीं है, इसलिए हम अपने घर वालों से संपर्क नहीं कर पा रहे, हमारी मदद कीजिए, हमें आपकी मदद की जरूरत है, यह जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचा दो, हम सभी डरे हुए हैं, हमें यहाँ से निकालने में मदद कीजिए। छात्र ने दो दिन पहले ही वीडियो कॉल पर घर वालों से की थी बात। जंग के बीच फंसे बेटे को पिता ने दी ये सलाह। नवीन एसजी कर्नाटक का रहने वाला था। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत के हजारों छात्र यूक्रेन में फंसे हुए। दो दिनों पहले ही नवीन ने अपने पिता से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की थी, जिसका वीडियो सामने आया है। सामने आए वीडियो में नवीन अपने पिता से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक आपदा प्रबंधन विभाग ने इस बात की पुष्टि की है कि नवीन खाने का सामान लेने बाहर गए थे, तभी बाहर हवाई हमले में उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो खार्किव के सेंट्रल क्वायर पर एक प्रशासनिक इमारत पर रूस की ओर से हमला हुआ, इसी हमले में नवीन की मौत हो गई। नवीन के पिता ने बातचीत के दौरान बेटे से कहा था कि अपना ध्यान रखो और वहाँ मिलजुल कर रहो। उन्होंने बेटे से कहा था कि उन्हें लाने के लिए भारतीय एमएनसी की ओर से कोशिश की जा रही है। नवीन की मौत की जानकारी विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके दी। विदेश मंत्रालय ने कहा, गहरे दुख के साथ हम पुष्टि करते हैं कि आज सुबह खार्किव में गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई। मंत्रालय उनके परिवार के संपर्क में है, हम परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। आपको बता दें कि नवीन यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे और वो चौथे साल में थे। नवीन कर्नाटक के चलगेरी के रहने वाले थे। छात्र की मौत पर विदेश मंत्रालय ने शोक व्यक्त किया है। नवीन की कोऑर्डिनेटर ने बताई ये बातें। यूक्रेन में नवीन की रूस के मिसाइल अटैक में मौत हुई है, इस बात की पुष्टि नवीन की कोऑर्डिनेटर पूजा प्रहराज ने की। उन्होंने बताया कि नवीन का दोस्त उनके पास पैसे लेने के लिए आया हुआ था, तभी यूक्रेन की महिला का नवीन के दोस्त के पास फोन आया। भाषा समझ नहीं आने की वजह से नवीन के दोस्त ने पूजा से यूक्रेनियन महिला की बात करवाई। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।